ओम की आकृति हम कैसे बनाएंगे। अब इसके साइड पे हमें एक लकड़ी की सपोर्ट देनी पड़ेगी, वो मैं आपके सामने डालता हूँ ताकि वो समझ लें, ताकि ये जो है पेड़ बिल्कुल ऐसा सीधा जो है खड़ा होए। दोस्तों जब हमको कोई फिगर का निर्माण करना होता है तो उसके लिए पहले ही जो है शाखाओं का चयन करना बहुत जरूरी होता है। तो आज जो है मैं आपके सामने ओम की जो है सिंबल को बनाने जा रहा हूँ, और उसके लिए मैं बहुत सारे ट्रीज का जो है निरीक्षण परीक्षण कर रहा हूँ कि कौन से ट्री से, कौन से प्लांट से, कौन से जेड प्लांट से मैं आसानी से जो है आपको ओम की सिंबल को जो है बना के दिखा सकूं, बहुत ही आदरणीय ढंग से बना के दिखा सकूं। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आप देखेंगे। अभी ये सब प्लांट्स मैं देख रहा हूं, इनमें कोशिश कर रहा हूं कि कोई प्लांट, कोई कटिंग या कोई जड़ वाला पौधा मुझे मिल जाए, क्योंकि इस समय ग्रोइंग टाइम है, कटिंग भी आराम से चल जाएगी, जिससे जो है मैं ओम की आकृति का जो है निर्माण कर सकूं। जैसे कि हमने ये क्रोकोडाइल बनाया था तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का चयन करना पड़ा था। बगैर चयन करे अगर हम किसी आकृति को बनाने का प्रयास करेंगे तो वह पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो चयन जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आपको ऐसी शाखा का चयन करना पड़ता है जिससे उसकी आकृति का आराम से निर्माण हो सके और वो एक अमूर्त रूप जो है ले सके। अब ये देखिएगा, बहुत सारे प्लांट पड़े हैं जिनमें मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक प्लांट मेरे को ऐसा मिल जाए या कोई एक ऐसी कटिंग मिल जाए जिससे जो है मैं आज जो वीडियो का मेरा विषय है कि ओम का जो है सिंबल मुझे बनाना है, वो जो है मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं किसी भी पौधे से लेने को, मतलब ऐसी कटिंग्स या शाखा लेने को या जड़ लेने को तैयार हूँ जो उस कार्य को जो है सफलतापूर्ण जो है कर सके। तो ये देखिएगा, मैं काफ़ी इसके अंदर शाखाओं को देख रहा हूँ, उनका निरीक्षण परीक्षण कर रहा हूँ। आप भी नज़र बना के रखिए कि इसमें कैसे चयन किया जाता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है विषय है। जनरली हम सोचते हैं कि किसी भी पौधे के ऊपर कोई भी आकृति हम बना लेंगे, हाँ बना लेंगे, लेकिन उसके जो ओरिजिनली जो ऑर्गेनिक रूप से जो उसकी बढ़त होती है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस ढंग से जो है उस आकृति को आखिरी के अंदर जो है पूर्णता प्रदान कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे एक ये प्लांट पड़ा हुआ है, इसको भी मैं देख रहा हूँ, पर मुझे इसमें भी जो है कुछ विशेष ऐसे तत्व या विशेष ऐसे गुण दिखाई नहीं दिए जो ओम जैसी महान आकृति को जो है जन्म दे सके। फाइनली हमें इस पॉट के अंदर 15-20 पौधे लगे हुए हैं। ये 8 इंच का पॉट है और ये अच्छे से डेवलप हो चुका है। वैसे अपने आप में बहुत सुंदर जो है पॉट बन चुका है ये, मगर इसमें मुझे एक आधा पौधा ऐसा दिख रहा है जिससे जो है मैं इसकी आकृति का निर्माण कर पाऊंगा। तो अब मैं कोशिश करके इसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने पैर से इसको पकड़ लिया है और पॉट को, और मैं खींचने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कुछ जड़ें टूट जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये गलती से ये शाखा टूट गई इसकी। ओहो, ये शाखा तो बहुत इम्पोर्टेंट थी। माय गॉड, चलो मैंने इसको देख लिया अच्छे से, मैं इसी से जो है प्रयास करूंगा। वो शाखा भी होती तो बहुत अच्छा था। तो ये देखिए, इसकी जड़ें हैं इसके साथ, तो इन जड़ों को भी जो है हम यूज़ करेंगे और ये प्लांट जो है बहुत जल्दी लग जाएगा। इसकी एरियर रूट्स भी अलाइव हैं और अब हम जल्दी से जो है इस कार्य को करते हैं, ताकि जो है देखिए आप नीचे से कितनी पतली शाखा थी और ऊपर होते होते कितनी मोटी होती चली गई। ये देखिए, यहाँ तक आते आते कितनी मोटी शाखा बन गई है। तो ऐसा प्लांट मिल जाए तो बहुत अच्छा इसलिए रहता है कि आपकी आकृति जो है बन भी जाती है और वो बहुत जल्दी जो है अपना एक अच्छा सा रूप ले लेती है। इस समय मेरे यहाँ देखिए कितने डट के जो है पोटू लाकर खिल रहे हैं, मगर मैं इन पे वीडियो ना बनाकर आपको आकृतियाँ बनाने में लगा हूँ, जबकि इन पे भी बहुत आसानी से वीडियो बनाई जा सकती है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग मेरी हो रही है। ये देखिएगा, खूब सारे फूल खिल रहे हैं। तो ये प्लांट हम आपके सामने ऊपर से हमने जड़ से निकाल लिया था, तो इसको जो है हम पहले इसमें जो है स्थापित कर देते हैं और उसके बाद में बनाएंगे ओम का। तो मैं बता दूं, क्योंकि ये इस पे लगे प्लांट जो है हम गमले में लगा देंगे, तो मैंने इसके अंदर देखिए ये स्टोन डस्ट आपको दिखाई दे रही है,
ये स्टोन डस्ट में लाई है और थोड़ी जो है इसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट में लाई है और सैंड इसमें बिल्कुल नहीं मिलाना है और बाकी जो है थोड़ी दूसरी जो है कॉडंग कंपोस्ट भी थोड़ा सा डाल दिया और नीम खली इसमें थोड़ी सी डाल दी है और मैं इसको जो है अब निकाल लेता हूँ थोड़ा। ये देखिएगा ये सैंड स्टोन डस्ट आप देख पा रहे हैं इसमें से आ रही है तो फिर जो है इसको यहाँ पे हम थोड़ा गहरा करके गड्ढा अच्छे से प्रेशर से इसको दबाना है साइडों को बहुत अच्छे से क्योंकि हमने इसके ऊपर आकृति बनानी है तो जब हम आकृति बना रहे हैं तो वो अच्छे से स्टे करनी चाहिए। और अब जो है इसको हम थोड़ा सा पानी दे लेते हैं। पहली बार अच्छे से पानी देना खूब डट के, इसके बाद 6 से 7 दिन तक इसको पानी नहीं देना और छाया में रहने देना। उसके बाद में इसको धीरे धीरे 3 घंटे 4 घंटे की धूप में और फिर पूरी 7-8 घंटे की धूप में शिफ्ट कर देना। आकृति हम इस पे बना लेंगे और अब आप देखेंगे कि ओम की आकृति हम कैसे बनाएंगे। अब इसके साइड पे हमें एक लकड़ी की सपोर्ट देनी पड़ेगी, वो मैं आपके सामने डालता हूँ ताकि वो समझ लें, ताकि ये जो है पेड़ बिल्कुल ऐसा सीधा जो है खड़ा होए। तो ये देखिएगा ये बांस का जो लकड़ी होती है, बांस लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको मैं 2 में विभाजित करके दोनों साइड पे एक एक लगा दूंगा। अभी लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि काफ़ी बड़ा ट्री है ये, मतलब काफ़ी इसके अंदर शाखाएं हैं और काफ़ी हैवी है ये। हमें कुछ शाखाएं काट के हटानी पड़ेंगी, जैसे ये शाखा है मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए ये कॉपर वायर है, इसके ऊपर स्लिप चढ़ी हुई है तो ये जो है मतलब डायरेक्ट इसके ऊपर टच नहीं होती है। वैसे टच भी होए तो कोई नुकसान नहीं है, कॉपर वायर कोई नुकसान नहीं करती है। बस कॉपर वायर लेने का एक फायदा होता है, ये फ्लेक्सिबल बहुत होती है। वैसे ये लेंटर जिससे बांधते हैं वो भी ये वायर आती है, ये भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। अगर आपको ये ना मिल रही हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये भी नुकसान नहीं देता। आयरन है, लोहा इसको पौधे को चाहिए होता है तो जैसे ये भी जो है आराम से बन जाती है, पर अभी जो है हम कॉपर वायर का यूज करेंगे। तो दोस्तों अब जो ये प्लांट्स हैं हमने इसको देखिए ऐसे खड़ा तो कर लिया और ओम की आकृति भी काफ़ी बन चुकी है, लेकिन अभी ये पूर्ण नहीं है। तो हमसे जैसे अब जब हमने प्लांट तोड़ा था तो ऊपर से एक शाखा टूट गई थी। अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि यहाँ से बीच में से सेंटर में से एक शाखा आ रही हो तो वो बहुत अच्छा काम कर सकती थी, लेकिन इसमें सेंटर में शाखा नहीं है। दोस्तों मुझे थोड़ी वायर लेनी पड़ेगी तो मैं दोबारा से जो है थोड़ी वायर ले रहा हूँ और इस बार मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूँ उसमें जो है हम वायर इसके ऊपर पहले लपेटेंगे, मतलब इसको लगाने से भी पहले हम इसमें वायर लपेट लेंगे ज़मीन में, मतलब इसको लगाने से पहले भी वायर को लपेट लेंगे ताकि ये यहीं से जो है हम प्रॉपरली वर्क कर सकें, क्योंकि अब जो है इसको ट्विस्ट जो देना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बिना ओम की आकृति बनना जो है संभव नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ बनाऊँ वो कम से कम ऐसे इतनी बढ़िया बने कि जो भी इसके बाद में बनाए तो वो इससे बेहतर बना सके। तो इसलिए जो है मैं पूरा उसकी कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जो है मैं अपनी मेहनत पूरी इसमें लगाऊँ, अपना 100% दूँ। देखिए ये प्लांट है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम खाली 70% ही यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसका कारण क्या होता है कि कुछ डेवलपमेंट बाद में होती हैं और बाद में डेवलपमेंट के बाद में ही ओरिजिनल रिजल्ट आते हैं। देखिएगा ये मैंने इसको पूरा यहाँ नीचे से ऊपर तक वायरिंग कर ली है
और अब मैं इसको यहाँ से पहले ही ट्विस्ट दे रहा हूँ थोड़ा सा, और इसको जो है अब हम यहाँ पे इसको लगाएंगे और लगा के इस शाखा को इसके साथ जोड़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं ताकि ये एक ही जैसे दिखाई दे, और उसके बाद में हम इसको यहाँ से टर्न लेते हुए आएंगे और ये इस ढंग से जाएगा। तो इसको हम इसमें मतलब ये दो पौधे भी हों तो कोई परेशानी नहीं है, ये डिपेंड करता है, ये एक से बन सकता है, पर क्योंकि इस तक का जो यहाँ से इसका एक टूट गया था और कोई ऐसी शाखा मुझे मिल नहीं रही थी, मतलब ऐसा कोई प्लांट नहीं मिल रहा था ना कटिंग मिल रही थी जिसमें ऐसे करके तीन आ रहे हों, तो जिसमें तीन आ रहे होंगे उसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैं आपको उसमें जो है पूरी चीज़ें बता के चल रहा हूँ, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी बनाएं। तो हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा पौधा मिल जाए और आपके पास दो ही पौधे हैं उनमें से एक पौधा ऐसा हो, या फिर आप बाजार से कोई नई जो है मतलब अगर आप परचेज कर रहे हैं उसमें आप उस चीज़ का ध्यान कर पाएं। इसलिए हर चीज़ की अवेयरनेस मैं दे के चलता हूँ ताकि जितने भी मेरे गार्डनर मित्र हैं वो सबके सब लाभान्वित हों। आप सबका प्रेम मुझे मिलता रहता है, बस यही मेरा जो है पुरस्कार है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आप जो है वीडियो को अंत तक देखते रहा करें। तो इसकी अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये शाखा हम हटा देंगे यहाँ से और अब इसको जो है टर्न देंगे। बहुत एक्चुअली सकुलेंट प्लांट है, बहुत नाजुक होता है, तो बहुत ध्यान से ये काम करना पड़ता है, तो इसलिए कई बार थोड़ा सा 18-19 हम रहने देते हैं। हम कहते हैं क्योंकि ये शाखा इतनी पतली है, अगर मैं यहाँ पे वायर बांधता तो इसको टूट ही जाना था, और मैं चाहता नहीं कि ये टूटे, मैं चाहता हूँ ये आगे ग्रोथ करे और मेरी आकृति जो है वो पूरी हमेशा बनी रहे, तो इतनी मेहनत करी है तो ये आकार हमेशा मेरे पास रहे, तो इसलिए जो है मैंने इसको यहीं तक दिया। तो हो सकता है इसको थोड़ा सा नीचे लाने के लिए मैं अगर वायर और आगे जा सकती तो ये पॉसिबल था, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए हमें जो है कुछ चीज़ों में ये प्लांट है और सकुलेंट प्लांट है, इस वजह से थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान करना पड़ेगा। और यहाँ से भी हम हल्का सा जो है हल्का सा इसको यहाँ से हम बांधेंगे कि चंद्रबिंदु कैसे डाला जाएगा। ये शाखा बढ़ेगी जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, तब हम इसको ऊपर से पिंच कर देंगे, उसके बाद में ये दो शाखाएं निकालेगी, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, तो उन शाखाओं से हम चंद्रबिंदु का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हैप्पी गार्डनिंग।